असलकुम जी गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें आबाद रहें और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल आप सबका वेलकम मेरे चैनल पे एंड आप uh, 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 मेरे रिसेंटली जस्ट इन लास्ट कपल ऑफ़ डेज मेरे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड योर ब्यूटिफुल कमेंट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप ऐसे ही मुझे मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो आई विल कंटिन्यू इन शो वन सेकेंड थैंक यू सो मच एवरी वन स्टे कनेक्टेड एंड ये देखें जी आज मैं बना रही हूँ जी भिंडी और भिंडी बेचारी बिल्कुल ही सिंपल सी होती है कोई इसमें मुश्किल नहीं होता है ये ईजी सी uh, रेसिपी है तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ बिकॉज़ आई बिलीव दैम जो होती हैं ना सब्ज़ियाँ उनको ओवर कुक नहीं करना चाहिए आपने उनको बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए ताकि आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी उनसे मिल सके अच्छा ये मेरी ग्रीन टी है तो ये माचा टी पीती हूँ मैं आ, ट्राइंग टू लूज़ वेट बट आई एम नॉट गी गेटिंग एनी वेयर खैर कोई बात नहीं इंसान कोशिश करता है और आगे अल्लाह की मर्जी है फिर ठीक है जी तो अच्छा मैं आपको ये इसकी रेसिपी दे देती हूँ सिंपल सी है बस आपने जैसे देखा मैंने सिर्फ ऑयल में इसको भिंडी को डाला है थोड़ा सा सोटे किया है ताकि इसकी वो स्लाइमी सी ख़त्म हो जाए और फिर मैंने कुछ स्पाइसेस डाले हैं जो सिंपल से होते हैं धनिया ज़ीरा और, और क्या था जी <laughs> रेड चिली पाउडर एंड uh, इसमें मैं एक और एक्स्ट्रा स्पाइस जो होती है करी पाउडर होता है वो मैं ऐड करती हूँ अपनी सारी सब्जियों में वो फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती है तो उसका मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मैं यूजली करी पाउडर जो है सिर्फ सिर्फ़ सब्जियों में डालती हूँ आप भी डाल के देखिएगा तो ये देखें भिंडी तैयार हो गई है इसको बस मैं ना प्याज़ वगैरह डाल के टमाटर डाल के बस मैं छोड़ देती हूँ लाइट स्लो हीट पे तो ये ख़ुद बहुत कुक हो जाती है बस फॉर फर्स्ट फाइव मिनट्स मैंने इसको ऑयल में भूनना होता है तो बाकी ये खुद ही बेचारी रेडी हो जाती है मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लगी थी तो मैंने और ऐड कर ली थी क्रश चिली आपने देखा हो गया सो दैट इट दैट वाज माय सिंपल भिंडी रेसिपी तो वो तो तैयार हो गई है अच्छा जी यहाँ पे आ, मैंने एक कुर्ता मंगाया है तो ये मुझे सिंपल सा कुर्ता था मुझे पसंद आया टिकटॉक पे मैं देख देखा था ऑनलाइन से मैंने ये ऑर्डर किया है और आ, मुझे बिल्कुल सिंपल प्लेन कपड़े आ, अच्छे लगते हैं मुझे प्रिंट uh, uh, बिल्कुल भी पसंद नहीं है आई um, डोंट मैं ज़्यादातर प्रिंटेड कपड़े नहीं पहनती हूँ <coughs> इस तरह का साफ लाइक like, uh, ये जो होता है क्या कहते हैं इसको um, जो कढ़ाई होती है वो um, वो उस उस तरह की मैं पहन लेती हूँ लेकिन वो भी ओवर पावरिंग ना हो सिंपल सी हो जैसे इसमें है तो ये मुझे अच्छी लगती है इसके साथ मैंने एक ट्राउज़र मंगाया था तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ होपफुली आई विल वेयर दिस ऑन ईद इशल और uh, ये देखें आ, ये सेल लगी हुई थी इसलिए मैंने फिर मंगा लिया था मैंने कहा बाद में ना ईद के टाइम पे एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो चलें रख लेते हैं इन बस माह रमजान आ रहा है तो uh, ईद भी आ जाएगी अच्छा जी अब आते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी पे तो यहाँ पे पंजी जी दाल मखनी बना रही हूँ और इसमें मैंने ऐड किया दाल और आ, साथ में कुछ खड़े मसाले थे लौंग और दारचीनी और आ, मोटी इलायची ठीक है और इसको हम अब प्रेशर दे देंगे ठीक है यहाँ पे एक कप थी मेरे पास आ, रेड लोबिया और एक कप है मेरे पास ब्लैक हम ब्लैक उद दाल हाँ जी <coughs> तो इसमें मैंने दो टी स्पून जो है ना चिली के डाले हैं कुछ बे लीव्स डाले हैं और एक टी स्पून एक टी स्पून सॉल्ट का हाँ जी तो ये देखिए मेरा कुकर जो है ना प्ले अप कर रहा है इट्स नॉट क्लोजिंग द लेट मुझे नहीं पता क्या हो गया है इसको कभी कभी ना इसको दौरा पड़ जाता है और <laughs> ये इसको होता है डिसाइड करता है कि पहले नहीं बंद हो डाना तो आई डोंट नो लाइक इसका आज आज इस एक्चुअली मैंने इसको सारा ओपन करके ना मैंने इसको फिक्स किया इसकी रबड़ थोड़ी सी मिसप्लेस uh, हुई हुई थी बट अदरवाइज वर्स फाइन बड़ा अच्छा है मेरे मेरे पास काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ भी करती रहती हूँ तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप अभी जो आपने मैंने आपको दिखाया है घी की बॉटल दिखाई थी वहाँ पे मैंने दो टेबल स्पून घी के डाले हैं ठीक है देसी घी इस दाल मखनी में जाता है और आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली यू कैन यूज़ ऑयल अजवाल एंड साथ में uh, मैंने एक अनियन चॉप uh, कर उसमें हांडी में डाला है ताकि थोड़ा सा हम लाइट ब्राउन कर सकें ठीक है एंड अवैसे uh, आप कहेंगे अब ये दाल मक्खनी है तो मक्खन की तरह है तो मक्खन हम बाद में ऐड करते हैं करेंगे क्योंकि मक्खन का फ्लेवर जो होता है ना जब आप उसको कुक करते हैं तो फिर वो फिर ना फ्लेवर वो मक्खन वाला रहता नहीं है इट्स लाइक इट टर्न्स इनटू लाइक ऑयल टाइप वो फ्लेवर नहीं रहता इतना स्ट्रांग तो इसलिए है ना मखन हम एंडे डालेंगे एंड बाकी के मसाले भी हम मैं आपको बाद में बताती हूँ और क्या इसमें जाता है तो जब हमारे ये टमाटर्स ग्राइंड हो जाएंगे ब्लेंड हो जाएंगे तो हम इसको अब अपनी इस हांडी में डाल देंगे ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया है और अब इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे पहले डालने से पहले टमाटो डालने से पहले ठीक है यहाँ पे मैंने सिर्फ टू टेबल स्पून घी डाला था देखिए आप बिल्कुल ड्राई ड्राई सा लग रहा है लेकिन इसका फ्लेवर बड़ा ही स्ट्रांग होता है आपको पता है यहाँ पे जो देसी घी मिलता है ना बटर से बनता है तो वेरी स्ट्रांग फ्लेवर तो उसकी बड़ा लाइक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है टेस्ट होती है उसकी तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही डालती हूँ अगर किसी रेसिपी में डालना हो तो या फिर बहुत हल्का यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे हम इसको ब्राउन कर लेते हैं ठीक है और इसके बाद हम इसमें अपना ये प्यूरी डाल देंगे ऐसे और इसको अच्छी तरह से फिर हम बून लेंगे ठीक है टमाटर उसको हमने अच्छी तरह से भूनना है इनका पानी हमने वैपरेट करना है और मसाला अच्छा सा बनाना है अच्छा मसाल वहाँ पे मैंने नमक डाला था दाल के लिए और यहाँ मैं नमक डाल ली हूं, मसाले के लिए ओके और एक चम्मच मैंने चिली सो चिली सोस खे दी थी चिली पाउडर भी डाला है और बस इसमें यही मसाले जाएंगे सो फार और इसको हम अच्छी तरह से फिर भून लेंगे अच्छा जी हाँ सॉरी ये हींग है और मैं अक्सर खानों में हींग डालती हूँ ताकि वो आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो ये डाइजेस्टन में हेल्प करती है आपको कोई भी दाल या सब्जी हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं और इसका कोई फ्लेवर नहीं होता इतना ख़ास हम बहुत ज़्यादा ही डाल दो तो फिर वो कड़वी सी हो जाती है और बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर होता है इसका लाइक अच्छी इसकी खुशबू होती है तो आप इसको अपने साग में सब्जियों में एड कर सकते हैं दालों में अच्छा जी यहाँ पे मुझे ऑयल ऑयल या घी कम लग रहा था तो मैंने एक और टेबल स्पून डाल दिया था क्योंकि वो मसाला अच्छे से बुन नहीं रहा था मेरे से ना तो ये देखिए यहाँ पे मेरी दाल जो है ना काइंड ऑफ गल गई है हाफ सी मेरे ख्याल से प्रेशर कुकर में पानी ख़त्म हो गया था तो वैसे मैंने ये बीस मिनट के लिए रखी थी फिर भी ये प्रॉपर नहीं गली थी and I think the reason was that there was no water, uh, there was less water in it. so um, अब हम क्या करेंगे कि खैर uh, इसको पका लेंगे it doesn't matter uh, वैसे भी आप इस तरह भी uh, पका सकते हैं एंड हम uh, इसको अच्छे से मसाले में मिक्स करके हम इसमें पानी डाल देंगे पानी आपने मेक श्योर sure करना है कि आपने गर्म पानी डालना है ठंडा पानी बिल्कुल ना डालिएगा क्योंकि वो कुकिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है और फिर वो आपकी दाल जो है ना डीट सी बन जाती है <laughs> अच्छा जी तो पानी मैंने डाल दिया था और मैंने ना लो हीट पे वो, वो तीसरे वाले चूल्हे पे ना वो नज़र नहीं आ रहा यहाँ से वहाँ पे मैंने रख दिया था इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे और उनको भूख लग रही थी तो उन्होंने कहा मैंने खाना खाना है मैं उनके लिए यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और आ, आ, साथ में वही जो भिंडी मैंने बनाई थी वो उनको दूँगी खाने के लिए और दाल मखनी जो है ये आ, अभी पक रही है इसको अभी टाइम है पकने में ये रात तक बन जाएगी अभी आई थिंक टाइम को हुआ था अबाउट फोर और फाइव ओ तो जब फाइव सिक्स हुए होंगे आई डोंट नो आई थिंक फोर फाइव थे तो यहाँ पे फिर बस मैंने रोटी सेक ली है मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया और इधर देखें जी दाल अपनी आराम से गल रही है और ये अच्छी से जब गल जाएगी आपने इसको मैश कर लेना ऐसे करके जब आपको पता चले कि गल किया तो फिर आपने इसको ना उर्दू का वर्ड है शायद मत लेना है तो वो आपने कर लेना है अच्छा जी अब जब दाल अच्छे से मैश हो जाए तो आपके मुताबिक आपकी कंसिस्टेंसी हो जाए जितनी आपने रखनी है आप और भी गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं अगर आपका पानी ख़त्म हो गया है तो जब सही कंसिस्टेंसी आपकी आ जाए तो फिर हम एक टेबल स्पून इसमें बटर डालेंगे और <coughs> तीन से चार टेबल स्पून हम इसमें आ, क्रीम डालेंगे ठीक है आ, और इसके अलावा चाहे कीजिए कसूरी मेथी अच्छा मेरा कैमरा अब स्टैंड पे नहीं था ना तो ये देखें मैं ये हमेशा मेरे से गिरती है आई डोंट नो व्हाई इज खर्स्ट कसूरी में थी जो ना हमेशा मेरे से मेस बनता है इसका ना जब मैं लास्ट टाइम वो भी फिल कर रही थी तो ये सारी गिर गई थी एनी anyway, उसके अलावा जी हम इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे और आ, हमारी दाल मखनी रेडी है अच्छा थोड़ा सा मैंने और बटर डाला था जब मैंने इसको टेस्ट किया था ना तो बटर का फ्लेवर नहीं आ रहा था तो इसमें बटर का फ्लेवर आना ज़रूरी है और सो आ, क्रीम का भी तो थोड़ी सी मैंने और क्रीम भी डाली थी और थोड़ा सा और बटर भी डाला था और ये दाल बड़ी हैवी होती है डाइजेस्ट करने में इसलिए मैं इसके साथ कोई चपाती वगैरह नहीं खा रही हूँ अब जिस का ना हैवी ऑन इट्स ओन अच्छा जी यह दाल का क्लिप नहीं है ये गोश्त का क्लिप है But anyway, thank you so much for watching. Take lots of care. Love it.